वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू टू द बी स्टोर। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का ही सारा लोगों को एक क्वेश्चन है कि सर बी स्टोर में बाई कैसे करें, यानी जो भी प्रोडक्ट को क्लिक करता हो तो कोई पेमेंट ऑप्शन बाहर नहीं आता है। तो देखो, अगर ए वाला ऑप्शन को अगर आप क्लिक करोगे, ये जो मोबाइल है ये आपको आप लोगों को बाई नहीं हो पाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ अभी ना स्टोर कलेक्शन बोल के जो ऑप्शन है, स्टोर कलेक्शन का मतलब क्या है कि आपका घर की नज़दीक, आपका घर से 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर के अंदर जो दुकान आपने लिस्टेड करवाई है, या तो फिर किसी और आपका लीडर ने, या तो फिर कोई और लिस्टेड करवा दिया और उसका प्रोडक्ट है लिस्टेड करवाया इधर, उसी दुकान स्टोर कलेक्शन ऑप्शन में अगर ऐड किया तो आपने इजीली परचेस कर सकते हो BFIC या तो फिर BFIC गोल्ड से 15% कैशबैक के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि ये सारे जो चीज़ है ये स्टोर कलेक्शन वाला प्रोडक्ट से मैंने खुद ही ऑर्डर किया है, खुद ऑर्डर नहीं, मैंने अपलोड किया है इसको। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को देखो ये वाला भी मैंने ऑर्ड किया है, फिर ये वाला भी मैंने ऐड किया है। तो फिर मेरे को क्या करना है, स्टोर कलेक्शन में जाना है, जो स्टोर कलेक्शन ऑप्शन है इसमें जाना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाके मेरे को क्या करना है, इधर ऑलरेडी आ गया है, अभी आपको क्या करना है, ग्रोसरी में जाना है। अगर मान चलो आपको ग्रोसरी लेना है तो ग्रोसरी में जाना है। मैंने ग्रोसरी ऐड किया फिलहाल, क्योंकि ग्रोसरी बेसिक नीड है सबका। तो मान चलो मैं इधर सर्च करता हूँ घी या फिर कोलगेट, जो सुबह उठ के लगता है सबको। तो कोलगेट का ये तीनों ही मैंने अपलोड किया है, तीनों ही मैंने जो स्टोर मैंने लगाया है तो उनको मैंने फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। और ऐसे आप लोग अगर कोई करना चाहते हो तो आप लोग भी फुल सपोर्ट मिलेंगे पी स्टोर का, ये मैंने किया है देखो। तो मेरे को मान चलो यही लेना है, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट 100 ग्राम ये लेना है, इसको क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करने के बाद इसमें चार्जेस देख लेना है। ठीक है, ये देखो इधर जो वैराइटीज़ है इसका नंबर भी रहेगा आपके पास, शांति का वैराइटीज़। ठीक है, नंबर भी रहेगा उदयपुर त्रिपुरा कोलगेट ग्रोसरी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन फिर जाकर आपको रीड कर लेना है कोलगेट जो भी है वैराइटीज़। फिर अपने को क्या करना है, ऐड कार्ट को करना है। ओके, फिर प्रोसीड में जाना है। फिर आप लोगों को देखो इधर मिनिमम ऑर्डर होता है $2 का, तो आपने क्या करो, जो नमक है नमक भी ऐड कर लो थोड़ा, आपको जो नीड है आपने वो कर लेना। नमक शायद स्टोर कलेक्शन में ऐड नहीं हुआ इसलिए बाइंग ऑर्डर नहीं आ रहा है। आप लोग इसको कर सकते हो, ये अभी तक नहीं आया है स्टोर कलेक्शन में, मैंने स्विच ऑन नहीं किया। तो इसके लिए मैंने और भी ऑर्डर ले लेता हूँ, जैसे कि आशीर्वाद आटा। ये देखो इधर जो है आ गया है, ये वाला है आशीर्वाद आटा। ठीक है, इसको जाओ, फिर अपने को ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट कर दिया। फिर प्रोसीड करना है, फिर अपने को एनन में 126 हुआ है, $2 नहीं हुआ। फिर अपने को क्या करना है, मिनिमम 200 रुपये का करना होगा आपको। ठीक है, फिर अपने को मान चलो ओनियन प्याज लेना है, प्याज लेना है तो प्याज ले लो भाई, 3 किलो प्याज ले लो। इधर ऐसा है, ऐसा स्टोर प्रोडक्शन में ऑन नहीं है इसलिए बाइंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये शांति का स्टोर का ही है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को और क्या है, गार्लिक है, ये है गार्लिक, हाँ ये 2 कार्ट है, ये 250 रुपये ये हो जाएगा।
एनर्स, 1 किलो कल्डिक 10 रुपये। अब देखो चेकआउट हो गया है, चेकआउट आ गया है, मतलब मिनिमम $2 का होता है तो चेकआउट होगा, मिनिमम $2 का परचेस होना होगा। फिर अपने को क्या करना है, चेकआउट में जाना है। अभी क्या करना है, इधर आप जिधर भी है, इधर जितना दुकान आपका लिस्टेड होगा ऑटोमेटिकली गूगल मैप में आ जाएगा। इधर सैनिका स्टोर है, एक ही दुकान मैंने लिस्टेड किया है। फिर कन्फर्म एड्रेस करना है। फिर इधर BFIC गोल्ड है। फिलहाल आप लोग क्या करना, BFIC से करना, क्योंकि BFIC गोल्ड से मैंने करके देखा वो पेमेंट होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पेमेंट डिडक्शन होता है लेकिन ऑर्डर कन्फर्म नहीं होता है। इन दैट केस हम लोग को सपोर्ट सिस्टम में बेच के फिर ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग अभी के लिए फिलहाल BFIC को यूज़ करो अगर आप लोगों को देखना है तो, ठीक है। और मैंने जो स्टोर दिया आप लोगों को साईमती का स्टोर, इससे आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। मैंने जो प्राइसिंग भी रखा है उधर, प्राइसिंग भी मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है, मतलब आपको दुकान में भी डिस्काउंट मिल रहा है, फिर कैशबैक उस प्राइस के ऊपर कैशबैक भी मिल रहा है 15%, ठीक है। तो इट्स अ बेनिफिट, इट्स अ बिग बेनिफिट फॉर कस्टमर। फिर कंटिन्यू में जाना है, ठीक है। फिर अपने को देखो इधर जनरल साइंटिफिक स्टोर जो नंबर भी आ गया, सब कुछ आ गया। अपने को क्या करना है, प्लेस ऑर्डर करना है। प्लेस ऑर्डर करके आप मेटामास्क में चला जाएगा। फिर उधर से आपको क्या करना है, देखो इधर से अपने को जैसे ये खुलेगा तो ऑटोमेटिकली पेमेंट पेज खुल जाएगा। इधर कनेक्ट आएगा, ठीक है। कनेक्टेड हुआ बीस टू डेवलपर ऐप, आप कॉलिंग टू कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस टू क्लोज। अच्छा, आप एक विंडोज़ आएगा पेमेंट करने के लिए, बस विंडोज़ आया है। अभी मेरा बैलेंस इधर थोड़ा कम दिख रहा है बैलेंस, ठीक है। इधर कॉन्फर्म आएगा, कॉन्फर्म जैसे ही करोगे इंस्टेंट बैलेंस कट जाएगा। एंड इंस्टेंटली ऐसा कुछ नहीं करना, इंस्टेंटली थोड़ा बैठना, जैसे आप कॉन्फर्म करोगे थोड़ा बैठना, फिर दो मिनट के बाद आपने इधर आना, ठीक है। इधर आके देखना ऑर्डर कॉन्फर्म हो जाएगा, जिसका मैंने एक स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाला कि ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद क्या आता है, ठीक है। ऐसा ही आएंगे आपको, फिर ऑर्डर में जाके देख पाओगे। जैसे कि मैं दिखा था आपको, मैंने जो एक ऑर्डर किया है कोई और दुकान से, मेरा ही लिस्टेड वाला दुकान है, तो इसमें जाके जैसे ये है, ये जो है मैंने ऑर्डर किया है, ट्रैक शिपमेंट फुलफिल और प्रूफ शिप। जैसे ही दुकानदार इसको अप्रूव करेगा अपना मोबाइल पे, 7-7 15% कैशबैक आ जाएंगे। देखता हूँ जरा, ये देखो देखो ऑलरेडी 15% कैशबैक ना आ गया है। एक सेकंड में इनकमिंग, नो ये तो इनकमिंग है, कैशबैक यू है, कैशबैक वाला भी इधर आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपको ना, कस्टमर को जो अरे दुकानदार को ना इसको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट भी जाएगा और जो भी बनता है बाकी का जो भी पेमेंट वगैरह बनता है सब कुछ एक दुकानदार अगर एक्सेप्ट करेगा इसको तभी जाके आपके पास आ जाएंगे। आपके पास मतलब सॉरी दुकानदार के पास, दुकानदार अगर एक्सेप्ट करेगा तभी दुकानदार के पास पेमेंट आएगा विद इन 7 डेज। एक्सेप्ट सैटरडे संडे छोड़ के मतलब बाकी दिन में वर्किंग डेज में पेमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही कंपनी से पेमेंट रिलीज होगा, सॉरी इधर मैं थोड़ा गलत बोला हूँ, कंपनी से जैसे पेमेंट रिलीज होगा उसी समय आपका जो भी है कैशबैक वगैरह जो भी है रिलीज होना हो जाएगा, ओके। और शायद मेरे हिसाब से इधर और भी कुछ अपडेट होना है, क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है कैशबैक वाला जो है उसमें, देखना होगा थोड़ा। ऐसे मेरे हिसाब से तो पेमेंट करने के साथ साथ ही आ जाता है। चलो प्रोसीड्यूर यही है, बाकी और भी चीज़ मैं आप बाद में इस वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँगा, ओके। थैंक यू।